हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे फ्रेंड। तो देखिए, सुबह हो गई है, काम हो गया है शुरू। तो आज मैंने थोड़ा लेट से नाश्ता बनाया था। तो नाश्ते मैंने बनाया था फ्रेंड, कद्दू की सब्ज़ी और पराठा और चाय अचार। ये था हमारा आज नाश्ता सब लोगों का। और उसके बाद देख सकते हैं इधर कद्दू की सब्ज़ी अभी हम बना रहे हैं, मतलब रेडी होने पा गई है। थोड़ा सा भी समय है तो उसको अच्छे से भून रहे थे कि सौंधापन आ जाए। फटाफट से आटा देखिए कैसे किस तरीके से मैं चाल रही हूँ। और चालने के बाद सुबह उठते ही काम हो जाता है इतना शुरू कि क्या ही बोलूँ। और सुबह सुबह का बच्चों का नाश्ता, फिर थोड़ा सा मैं उठती हूँ 6 बजे, 6:30, 6:45, 7, 7 के पहले ही उठ जाती हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है फ्रेंड, नहीं तो मैं उठ जाती हूँ समय से। और उठने के बाद फिर मैं नहाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद बच्चों को दूध देती हूँ। सोते रहते हैं बच्चे तभी दूध देना होता है। फिर फटाफट सारा काम करने के बाद मैं आधे घंटे रूम में रहती हूँ, थोड़ी देर मैं टीवी भी चलाती हूँ, मोबाइल वोबाइल देखती हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से खाना बनाना मैं शुरू कर देती हूँ। उसमें फिर बाबू का सीसी धुलना, झाड़ू पोछा, जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ करना पड़ता है। तो बर्तन किचन सारा काम फटाफट करके बच्चों को नहलाना धुलाना सारा काम A to Z करो। करने के बाद ऐसा है ना फ्रेंड कि अभी आपका जो डेली का काम है वो जो है एक दो दिन कोई कर भी देगा तो उससे कुछ थोड़ी होता है। फिर मैंने फटाफट से बनाया नाश्ता। और ये पराठा मैं बना रही थी जो है डैडी के लिए, मतलब ससुर जी के लिए। तो फटाफट से मैंने इसको बनाया और तेल इस तरीके से लगा के फटाफट से पराठा में सेंक दिया है फ्रेंड। और फेंकने के बाद देख सकते हैं किस तरीके से अभी हमारा का जो है नाश्ता रेडी हो गया। मैं जा रही हूँ अभी डैडी को देने, अपने ससुर जी को नाश्ता देने, और उसके बाद दे के आती हूँ। फिर फटाफट देखिए सीसी रखी हूँ उबलने के लिए। और इधर मैं चढ़ाई हूँ फ्रेंड, इधर देखिए फ्रेंड सीसी उबल रहा है और इधर हो रहा है सब्जी। फिर फटाफट बनाया ना बच्चों का नाश्ता बना के बच्चों को ये नाश्ता करा रही हूँ। इधर मैं बीच में आ जाता है सारा जो हमारा काम होता है, कपड़ा धुलना, मशीन में लगाना, बच्चों को रेडी करना, नहला धुला के फटाफट से उन लोग को दूध देना, सारा काम फटाफट से कर लिया। करने के बाद देख सकते हैं किस तरीके से एक वीडियो मैंने शूट किया। और शूट करने के बाद उसको मैंने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद गाइस इधर देख सकते हैं आप लोग कि हम अभी फटाफट से थोड़ा सा रेडी हो गए थे। मैंने सोचा लो बाल खुला करके मैं सारा कुछ करने के बाद बज गया था 12:30, 1:30। मैंने किया फटाफट से नाश्ता, पराठा और कद्दू की सब्जी। नाश्ता करने के बाद मैंने टाइम देखा, भाई साहब 1 बज रहे थे। फिर फटाफट से मैंने नाश्ता कर लिया। और नाश्ता करने के बाद किस तरीके से मेरा नाश्ता करने का कुछ अलग ही आइडिया है। देख सकते हैं नाश्ते वाली प्लेट में दिखा रही थी आप लोगों को किस तरीके से सबको बना कर खिला करके सारा काम करके उसके बाद आ जाती है अपनी बारी। और इच्छा आपकी है खाओ नहीं खाओ, कोई पूछने वाला नहीं होता है कि हाँ आप खाए हो कि नहीं खाए हो। तो फ्रेंड ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से हो जाती है। बहुत कष्ट भी होता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है भाई खा पी के अपना बराबर रहो क्योंकि कोई पूछने नहीं आएगा। तो देख सकते हैं इधर बिटिया रानी के साथ मैं थोड़ा सा बाहर आई थी आज, बिना बिटिया कंघी की थी और ना बिटिया की माँ की थी, दोनों जन कंघी नहीं किए थे। और उसके बाद फटाफट से देखिए मैंने डाला कपड़ा। तो कितना सारा काम हो जाता है आप लोग तो जानते हैं फ्रेंड, डेली का बहुत सारा काम होता है। सुबह से उठकर फिर पूरा काम करना, फिर आधे घंटे 1 घंटे का थोड़ा सा रेस्ट, फिर काम करना। इसकी कोई तनख्वाह नहीं मिलती हम लोगों को। ये देखिए पसीना आ रहा है, मैंने कपड़ा डाल के छत वाले रूम पे ही बैठ गई। उसके बाद देख सकते हैं मैं थक गई थी सच में, मैं क्या ही बोलूँ। फिर आ जाता है फटाफट से समय कपड़ा समेटने का। देखिए कितना सारा कपड़ा ये सब बक्से में डालना है, सर्दी का सारा कपड़ा अलग रखा है। सो गाइस फटाफट से बज गया, बजने वाला था 1:30 से 2:15। मैंने ना थोड़ा थोड़ा खिलाया कि एक दो दो चम्मच दाल चावल। सुबह नाश्ते में इन लोग का पराठा पूड़ी रोटी बटर कुछ भी खा लेते हैं। फिर एक आध चम्मच, ये बिटिया मेरी खाती कम है, मूड में आया तो खा लेगी नहीं तो नहीं खाती है।
और इधर बिटिया रानी है और इधर ये भैया है। तो मैंने किसी तरीके से बहला फुसला कर इन लोग को खिलाया फटाफट से। कैसा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल बनाना, सब्सक्राइब कर लेना।